Now we are going to start with the chapter 9th of class 8, that is the reproduction. This is a very important chapter as this process is very important. आप जानते हैं कि इसी process करके हर organism अपने तरह की organism बना पाता है, which is very important to maintain its species. Very important to maintain its species. जैसे कि आप जानते हो कि doggy है, for example. डॉगी क्या बनाएगा? अभी पपीज ही बनाएगा. तो अपनी स्पीशीज की रेस को मेंटेन करने के लिए ये जो आगे सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बनते हैं, सो दिस इज पॉसिबल बाय द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. राइट, तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इट इज डिफरेंट फॉर ऑल अदर लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म If any organism fail to reproduce, अगर कोई organism reproduction ना कर पाए तो it doesn't mean कि वो survive नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो so this is an important process which is required to maintain the species of the own kind. But still, if anybody cannot reproduce, so this act is not so important for the survival. The organism can still survive, but still to continue the race. आप चाहते हो कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के लोग बनते रहे, बढ़ते रहे, क्योंकि देखो डेथ तो हो रही है तो बर्थ भी तो होना चाहिए ना. तो ये डेथ और बर्थ का जो ये सिस्टम है, मतलब ये आप कह सकते हो कि जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का मेंटेन करने के लिए, दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रिप्रोडक्शन. सो वॉट वी सी इज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर वॉट आर द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, वॉट इज द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये बेबी की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वी आर गोइंग टू डू नाउ. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 9 ऑफ क्लास 8, दैट इज द रिप्रोडक्शन. लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व्ड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, fertilization process in humans, sex determination and metamorphosis. Now we are going to start with the chapter that is the reproduction. ठीक है, तो ये जो chapter है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो कि डेली आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, आप देखते हो कि डेली बेबीज होते हैं वहां पे, है ना. ऐसे ही अगर आपके घर में कुछ पेट है तो आप देखते हो पेट के भी बेबीज होते हैं. तो ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन का एक्ट होता है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप यंग वन प्रोड्यूस करते हो, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस. जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, इस पिक्चर के अंदर एक मदर ने अपने छोटे से बेबी को उठा रखा है ना. तो दैट मीन्स मदर इज टेकिंग केयर ऑफ दिस बेबी. बट हियर वी आर कंसर्न इज दैट कि ये बेबी किस तरीके से पैदा हुआ या किस तरीके से ये बना, तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. ऐसे ही आप ये पिक्चर देख रहे हो, कितना प्यारा डॉग है और डॉग के साथ बहुत सारे आपको पपीज दिख रहे हैं, है ना. तो ये पपीज भी कहां से आए? डॉग से ही आए, फीमेल डॉग से. तो किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस हुए, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. अदरवाइज अगर हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ये दोनों ही पिक्चर्स इस बात को फुलफिल करती है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस. जैसे फीमेल ने ये यंग वन को बर्थ दिया और डॉगी ने इन पपीज को बर्थ दिया. ठीक है, तो दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. बेसिकली हमारे पास दो तरह के रिप्रोडक्शन होती है, वन इज एसेक्सुअल, अदर इज सेक्सुअल. ठीक है, तो दो तरह की रिप्रोडक्शन विच वी कम अक्रॉस, दैट इज एसेक्सुअल एंड द अदर इज सेक्सुअल. नाउ व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, पहले हम फिगर देखते हैं, फिगर के बाद मैं आपको ये समझाती हूं कि इसका क्या मतलब है. देखिए ये फिगर जो है
वो एक ऑर्गेनिज्म की है जिसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रा। क्या नाम है उस ऑर्गेनिज्म का? हाइड्रा। तो आप देखिए हाइड्रा ऐसे दिखता है, ये हाइड्रा की बॉडी है और ये जो छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं ये उसके टेंटिकल्स हैं। क्या हैं? टेंटिकल्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है बेसिक बॉडी और टेंटिकल्स। तो आप देखिए फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि एक छोटा सा आउट ग्रोथ सी आपको दिख रही है इसमें से। तो हाइड्रा में से एक आउट ग्रोथ अपियर हुई, फिर उसके बाद आउट ग्रोथ में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि वो थोड़े से पेरेंटल हाइड्रा जैसे ही करेक्टरिस्टिक्स डिवेलप करने लगा। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? बड। दिस इज कॉल्ड एज बड। अब ये जो बड है आपने देखा कि ये डिटैच होने लगा पेरेंट प्लांट से, आप देख पा रहे हो ना थर्ड फिगर में कि ये डिटैच हो रहा है, अलग हो रहा है, और फाइनली ये टाइनी हाइड्रा अर्थ पे फॉल हुआ। और जब इसको इसकी फेवरेबल कंडीशन मिली तो इसने क्या बना दिया? एक और हाइड्रा बना दिया। अब देखो इस रिप्रोडक्शन में एक ही हाइड्रा से ये दूसरा हाइड्रा बन गया, दो हाइड्रा तो इन्वॉल्व नहीं हुए इसके अंदर, एक ही पेरेंट था ना, एक ही पेरेंट से आपके पास एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये जो हाइड्रा नया बना और ये जो हाइड्रा पेरेंटल था इसमें किस चीज का फर्क है? सिर्फ साइज का ही फर्क है, अदरवाइज इट इज क्लोन ऑफ पेरेंट, बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है ये पेरेंट का। ठीक है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को आप बोलते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा बेसिक आइडिया तो हो गया ना आपको, चलो अब डिटेल इसकी बढ़ते हैं। ए नेट ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बॉडी पार्ट और फ्रॉम द बॉडी पार्ट अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब जैसे कि आप जानते हो कि बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी उसके अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, नए ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हो आप? ऑफस्प्रिंग। नए ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग। दिस ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम बॉडी पार्ट ऑफ द पेरेंट और वो बॉडी पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेफिनेटली नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी पार्ट अदर देन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे कि हमने देखा लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में ऐसी रिप्रोडक्शन हमें दिखती है, एज आई एक्सप्लेन यू इन केस ऑफ हाइड्रा। अब देखिए दोबारा देखते हैं, पेरेंटल प्लांट है, छोटी सी आउट ग्रोथ अपियर हुई, आउट ग्रोथ के अंदर कुछ वही पेरेंटल करेक्टरिस्टिक्स आ गए, इसको बड बोला आपने, टाइनी ऑर्गेनिज्म बन गया जब पूरा ये करेक्टरिस्टिक्स आने के बाद डिटैच हो गया, फेवरेबल कंडीशन में एक नया पेरेंटल हाइड्रा बना दिया इसने। तो देखते हैं क्या और फीचर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब है ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ये तो क्लियर है वैसे भी आपको, आपने इस हाइड्रा वाले एग्जाम्पल के अंदर देखा कि एक ही पेरेंट था इसके अंदर, तो इट इज यूनिपेरेंटल। दूसरी बात, जो ऑफस्प्रिंग बना, जो ये नया ऑर्गेनिज्म बना, दैट इज अ क्लोन ऑफ पेरेंट। क्लोन का मतलब कार्बन कॉपी, बिल्कुल कार्बन कॉपी है ना, आप बता नहीं सकते हो, जब वो ग्रो कर जाएगा तो आप बता नहीं पाओगे कौन सा पेरेंट है और कौन सा न्यू वाला है ना। तो इट इज एग्जैक्टली क्लोन और यू कैन से अ कार्बन कॉपी। एंड मोर ओवर इट इज अ फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत जल्दी होता है, इट डजंट टेक मच टाइम, इट इज अ फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एज यू कैन सी इन द फिगर दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइट शोन बाय इन केस ऑफ हाइड्रा। और वो भी ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड का नाम है बडिंग। जैसे कि आपने देखा एक बड अपियर हुआ था ना, ये जो छोटी सी आउटग्रोथ बड्स तरह की निकली थी जिसने एक टाइनी ऑर्गेनिज्म बनाया, डिटैच हुआ थर्ड फिगर में आप देख पा रहे हो, और फेवरेबल कंडीशन में एक नया ऑफस्प्रिंग बन गया, एक नया हाइड्रा बन गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी हैव एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट इज द बाइनरी फिशन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूनिपेरेंटल होती है ना, कि एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है इसके अंदर, इसके अंदर कोई ऐसा फ्यूजन नहीं होती है गैमीट्स की, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस। और हमने ये भी किया था अभी कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो पेरेंट का बिल्कुल क्लोन होता है,
ठीक है, तो ये आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, फीचर्स जानते हैं. सो नाउ वी एक्चुअली हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन अ हायर क्लास. पर अभी के लिए, जैसे कि मैंने आपको अभी हाइड्रा का एग्जाम्पल समझाया है, सो वी विल स्टडी अनदर एग्जाम्पल एंड अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज अ बाइनरी फिशन. ठीक है, देखिए, अब बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें प्रोसेस का ये नाम है बाइनरी फिशन, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली. जैसे बडिंग के अंदर तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे बड बन रहा था, है ना. ऐसे ही इन बाइनरी फिशन व्हाट एक्चुअली हैपन इज, फिशन का मतलब होता है टूटना, फिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन. ठीक है, और बाइनरी का मतलब होता है टू, बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू. तो बाइनरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक पेरेंट सेल है वो टूट कर दो नए सेल बनाने वाला है, तभी तो इसको हम बाइनरी फिशन बोलेंगे. तो व्हाट इज अ बाइनरी फिशन नाउ, इन व्हिच अ पेरेंट सेल, ये तो आपको क्लियर है ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो एक ही पेरेंट सेल है हमारे पास. तो बाइनरी फिशन इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक पेरेंट सेल टूट कर दो डॉटर सेल्स बनाने वाला है. ठीक है, तो जब एक पेरेंट सेल से दो सेल्स बनते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन. अब इस नाम का मतलब आ गया ना, इसके अंदर फिशन का मतलब ब्रेक डाउन, और कितने सेल्स बन रहे हैं, टू. तो दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन. तो चलिए, वील स्टडी इट्स टेक्निकल डेफिनेशन. सो इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट बाइनरी फिशन, यू आर गोइंग टू आंसर इन अ वे दैट इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये तो क्लियर है, मैंने आपको बताया जैसे कि बहुत सारे मेथड्स हैं, आउट ऑफ दैट बाइनरी फिशन इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड वॉट इज हैपनिंग इन इन इट, इन दिस अ पेरेंट सेल, वन पेरेंट सेल स्प्लिट्स इंटू टू डॉटर सेल्स. जो नए सेल्स बन रहे हैं उनको हम, देखिए, जो नए सेल्स बनते हैं ना उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं. ये डॉटर सेल्स का मतलब कोई ये नहीं है कि भाई डॉटर बन रही है, सन नहीं बन रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट. डॉटर सेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है उसको हम रेफर कर देते हैं एज डॉटर सेल. इट इज नथिंग टू डू विद द सेक्सेस दैट वेदर अ न्यू ऑफस्प्रिंग विच इज प्रोड्यूस्ड इज अ डॉटर और अ सन. क्योंकि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है. जैसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल एक अमीबा का. ठीक है, अमीबा भी तो एक लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है ना अमीबा. तो अमीबा के अंदर कोई ऐसा थोड़ी ना है कि वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल, ऐसा तो नहीं है. अमीबा जो है उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, उनके ना सिर्फ न्यूक्लियस होता है, उनके कोई सेपरेट सेक्सेस नहीं होते. तो जो नए अमीबास बनते हैं या नए ऑफस्प्रिंग कह सकते हो आप जो बनते हैं पेरेंट सेल से, दे आर रेफर्ड एज डॉटर सेल्स. क्लियर है ना आपको? सो बाइनरी फिशन इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसके अंदर एक पेरेंट सेल स्प्लिट होकर टू डॉटर सेल्स बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, अमीबा इट इज मोस्टली सीन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से ये बाइनरी फिशन होती है. अब देखिए, आपके पास ये पेरेंट सेल है. ठीक है, इसमें कुछ इवेंट्स हुई जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ. ये देखिए, इसके बीच में ये तो पूरा अमीबा का सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर ये लिक्विड क्या है, साइटोप्लाज्म, और क्या है, न्यूक्लियस. तो देखिए, मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ. दिस इज एन अमीबा, क्योंकि हमें पता है अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, तो कोई भी शेप आप बना सकते हैं. इट इज फिल्ड विद अ लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. ठीक है, अमीबा एक यूनिसेलुलर है ना, एक ही सेल है. आपने चैप्टर में पढ़ा था अभी सेल यूनिट में कि कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, यूनिसेलुलर है. तो अमीबा इज वन ऑफ देम. तो ये अमीबा की बॉडी है, इट इज यूनिसेलुलर, एक ही सेल है, एंड इट कंटेन्स अ लिक्विड साइटोप्लाज्म जो कि आपको पता है सेल के अंदर होता है, एंड देयर इज अ न्यूक्लियस ऑल्सो. तो इस तरीके से ये अमीबा का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये पेरेंट सेल में यही रेफर किया गया आपको, अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस. अब देखिए आगे इसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया. यहां एक न्यूक्लियस था, यहां पे न्यूक्लियस क्या बन गए, दो. यहां पे एक अमीबा स्ट्रेच होकर दो में डिवाइड होने लगा, और साथ साथ आप देख रहे हो इसका साइटोप्लाज्म भी आधा आधा होने लगा, और ये जो न्यूक्लियस दो थे
वो एक में एक साइड आ गया और दूसरे वाला दूसरी साइड चला गया, और फाइनली यहां से ये स्प्लिट हो गए और नए दो डॉटर सेल्स बन गए। तो ये एक आउटलाइन थी रिप्रोडक्शन की। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं अमीबा वाले को ही और डिटेल में। सो जस्ट लुक एट दी अनदर स्लाइड, पर डेफिनेशन तो क्लियर है ना आपको कि बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक पेरेंट सेल, बाइनरी का मतलब है दो, सो इट इज गोइंग टू स्प्लिट, बिकॉज फिशन मीन्स स्प्लिट, इज गोइंग टू स्प्लिट इंटू टू डॉटर सेल्स। सो लेट्स सी दैट हाउ अमीबा अंडरगो अ बाइनरी फिशन। देखिए तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। फर्स्ट द अमीबा ग्रोज इन साइज, पहले जो ये पेरेंट सेल है इट इट ग्रोज इन साइज, ये काफी बड़ा हो जाता है साइज में क्योंकि अब इसने फाइनली दो डॉटर सेल्स में टूटना है ना। देन इट्स न्यूक्लियर मटेरियल डबल, ये तो क्लियर है आपको सेकेंड फिगर से, एक न्यूक्लियस ने दो न्यूक्लियस बना दिए, सो ई सिंगल न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियसेस, राइट। सो न्यूक्लियर मटेरियल डुप्लीकेट्स क्योंकि न्यूक्लियस भी दो हो चुके हैं और इनके अंदर का जो मटेरियल है ऑब्वियसली वो भी डबल हो चुका है, तभी तो वो हाफ हाफ हो गया है इसके बीच में। देन कंस्ट्रिक्शन अपियर्स, आप देख पा रहे हो ये स्ट्रेच हो रहा है और ये बीच में से अलग होने वाला है, दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आप देख रहे हो कि साइटोप्लाज्म भी आधा आधा इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, न्यूक्लियस भी हाफ हाफ मतलब सिंगल सिंगल हो चुके हैं, साइटोप्लाज्म भी हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड फाइनली दिस कंस्ट्रक्शन लाइक इट ब्रेक्स फ्रॉम हियर एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस डॉटर सेल्स विद सन और डॉटर काइंड ऑफ थिंग। ये डॉटर सेल का मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट क्या है, दैट इज ऑफ स्प्रिंग, जो नया सेल बना है उसके बारे में। इट इज नथिंग टू डू विद द सेक्सेस दैट सन और डॉटर एज वी स्टडी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वील बी डूइंग नाउ, पर यहां पे जो नए सेल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। सो दिस इज हाउ द अमीबा अंडरगो अ बाइनरी फिशन। जैसे आपने अमीबा के अंदर देखा, इट इज सीन इन अदर ऑर्गेनिजम्स also, so it happens in the same way कि पहले parent cell बड़ा हुआ, nuclear material duplicate हुआ, constriction appear हुई, cytoplasm half half हुआ, and finally the two daughter cells are formed। अब देखिए ये जो दो daughter cells बने हैं, क्या आप इसमें से पहचान सकते हैं कि parent cell कौन सा है? No, you cannot. So that is why asexual is a kind of reproduction जिसके अंदर नए जो cells बनते हैं that is just a clone of a parent cell. आप बता ही नहीं सकते हैं कि कौन सा उसमें parent cell है या parent cell का part है. It is exactly a clone copy of parent cell. So this is what is a binary fission and the mechanism or the steps which are involved in binary fission. अब दूसरी reproduction है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इन इट फर्स्ट ऑफ ऑल टू सेक्सेस आर इन्वॉल्व, दो सेक्सेस की जरूरत रहती है। वो दो सेक्सेस कौन से होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये दोनों सेक्सेस के इन्वॉल्वमेंट से नया ऑफस्प्रिंग बनता है। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू नीड बोथ द सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल, एंड देन दे गिव राइज टू अ ऑफस्प्रिंग। कभी भी दो मेल्स बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कभी भी दो फीमेल्स बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। यू नीड एन ऑपोजिट सेक्स, वन मेल एंड वन फीमेल, एंड देन दे गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, एंड दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। एंड एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस मदर इज जस्ट फीडिंग द बेबी, राइट। तो ये जो बेबी जो हुआ है, that is again an example of sexual reproduction, क्योंकि male और female जो कि आप girl and boy इनके साथ अगर होते तो they both have been involved in the production of this infant, right? So that means it is a sexual reproduction. So let us focus on the characteristics now. It is biparental. इसमें दो parents की involvement रहती है, mother and father, right? Then only the child comes, right? जो offspring इसमें होता है, I'm talking about this baby now. ये जो baby है इसके अंदर कुछ characteristics अपने father की आएंगी, कुछ characteristics अपनी mother की आएंगी, और कुछ characteristics mother और father की blend होकर new characteristics की तरह से appear हो जाएंगी. So this offspring inherits some characters from parents, from mother and father both, similar characters, और कुछ blend होकर, blend मतलब mix होकर, कुछ mixing of characters भी होगा, और उस करके
कुछ नए करेक्टर्स भी आपको बेबी के अंदर देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ कि जो फादर हैं उनकी ब्लैक आईज हैं, ठीक है, मदर हैं उनकी ब्राउन आईज है, लेकिन जो बेबी हुआ उसकी आईज ब्लू है. सो दिस कैन ऑल्सो हैपन, एनी थिंग कैन हैपन. तो दैट मीन्स नए करेक्टर्स भी आ सकते हैं, करेक्टर्स फादर से सिमिलर हो सकते हैं, करेक्टर मदर से सिमिलर हो सकते हैं, और कुछ मिक्सिंग होकर मदर और फादर के करेक्टर्स की कुछ न्यू करेक्टर्स भी अपियर हो सकते हैं. अब इसके अंदर ये जो मिक्सिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो ये दो सेक्सेस क्या करते हैं जो ये आगे प्रोड्यूस करते हैं, गेमीट्स, विच वी विल डिस्कस लेटर नाउ. और ये गेमीट्स आपस में फ्यूज होने को इनको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. तभी तो मेल और फीमेल, आप ये देखिए, जैसे ये मेल है हमारे पास, ये हमारे पास फीमेल है, ठीक है, इनके अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, इनके मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बनाते हैं आगे, उसको आप क्या बोलते हो, गेमीट्स. जैसे मेल गेमीट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गेमीट क्या होता है, एग. तो ये स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, मिलने से क्या हुआ, कुछ करेक्टर्स इनके आए, कुछ करेक्टर्स एग के आए, कुछ न्यू करेक्टर्स आए, ठीक है. तो ये जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये जो आपको दिख रहे हैं स्पाइरल से, ये सारे स्पर्म्स हैं, एंड दिस पिंक वन इज एन एग. जो पिंक वाला है दैट इज एन एग, एंड दिस इज, जो आप ये देख पा रहे हो, दिस इज स्पर्म. एज यू कैन सी, स्पर्म इज फ्यूजिंग विद द एग. इस फ्यूजन को ही आप क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, राइट. सो दीज आर द फीचर्स of sexual reproduction. Now we'll start with the reproduction in human beings. तो अब जो हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट मीन्स बोथ द सेक्सेस आर इन्वॉल्व, ठीक है. तो पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ शुरू करेंगे. एज यू कैन सी दैट वी हैव टू सेक्सेस, यू नो, ऑल नो दैट वन इज मेल, as it is shown in the figure, he is male, and this pink one is female. So for sexual reproduction, first of all, we need to have different sexes, one male and one female. Then they both have gonads in them. What is gonads? Reproductive organs of the organism. Jo male ke andar reproductive organ hai, theek hai, aise hi जो फीमेल हैं उनके अंदर भी उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं. तो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आपने एक स्पेशल नाम दिया, दैट इज दी गोनाड्स. तो मेल गोनाड, इन मेल आल्सो मेल गोनाड इज देयर, इन फीमेल फीमेल गोनाड इज आल्सो देयर. जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हो, दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड वॉट इज, यू कैन से दीज ऑल ऑर्गन्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी रिप्रोडक्शन, है ना. तो इसके अंदर जो अगर हम मेल मेन जो है हमारे पास, मेन जो मेल गोनाड है उसकी बात करें, तो दैट इज दीज टू स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स विच यू कैन सी, दीज पिंक वन, दीज वन, दीज आर टेस्टिस. सो दिस इज द मेल गोनाड, this is the male gonad, these two. So a pair of testes form a male gonad which is present in the human male, theek hai. Ab aage jo ye produce karenge, to obviously jo male hai, male gonad, male ke andar male gonad hai, male gonad kya hai, testes, jaise ki main aapko figure mein bata chuki hu, theek hai. Ab ye jo testes aage jo banayengi, obviously testes will form certain kind of thing. That is called as gamete. जो आगे बनता है उसको आप क्या बोलते हो, gametes. और you can say gametes are the cells that actually participate in the fusion process. Participate in fusion process, जिसको आप fertilization भी कहते हो, ठीक है. तो टेस्टिस जो आगे गेमीट बनाते हैं, दैट इज द स्पर्म. एज यू कैन सी इन द फिगर, दीज ऑल ब्लू वंस विद टेल, दीज आर एक्चुअली स्पर्म. एज यू कैन सी इन द फिगर, इट इज समथिंग लाइक दिस. सो दीज आर कॉल्ड एज स्पर्म्स. आई थिंक यू गॉट इट, दैट गोनाड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. लाइक मेल इज गोइंग टू हैव अ मेल गोनाड, फीमेल इज गोइंग टू हैव अ फीमेल गोनाड. मेल गोनाड इज टेस्टिस,
Right, as you can see in the figure, a pair of testes is present in males. And what they produce, that is called as gametes. And what are gametes? Cells that actually participate in fusion process, or you can say a fertilization process. And what are those male gametes? Male gametes are called as sperm. So this sperm is going to actually participate in the fusion process. Right. Likewise, we have female gonad. Female gonad, that means the reproductive organ of the female is the ovaries. That is the ovaries. As you can see in the figure, two ovaries are present, or you can say a pair of ovaries are there. This green portion is called as ovary. ये क्या है आपके पास ओवरीज है दैट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स ठीक है तो अब ओवरीज भी आगे जो प्रोड्यूस करेगी उनको आप क्या कहोगे फीमेल गैमीट तो ये क्या बनाती है ओवरीज दे फॉर्म एग और यू कैन कॉल देम एज ओवम सो व्हाट दे फॉर्म एग एंड दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ओवम सो एज यू कैन सी इन द फिगर दीज आर टू ओवरीज एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एग अ काइंड ऑफ स्फेरिकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है और ये जो आपका सारा आप कह सकते हो जो सिस्टम है दिस इज अ फुल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल नाउ तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ दीज ट्यूब्स आर फेलोपियन ट्यूब्स क्या फंक्शन है वील बी डिस्कसिंग लेटर दिस सैक इज यूट्रस दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज एन आउटर एक्सपोज पार्ट वजाइना राइट तो अभी यहाँ पे हमारा कंसर्न सिर्फ फीमेल गोनाड से है क्योंकि हम बेसिक टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं अभी सिर्फ सो फीमेल गोनाड इज दीज ग्रीन स्ट्रक्चर दैट इज द ओवरीज अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट एंड द गेमीट व्हिच दे विल प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज ओवम और एग नाउ वी हैव फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिस फर्टिलाइजेशन सो वॉट इज इट एक्चुअली फर्टिलाइजेशन जैसे कि अभी मैं आपको बता चुकी हूं कि हमारे पास मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके अंदर अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसको आप बोलते हो मेल गोनाड और फीमेल के अंदर फीमेल गोनाड राइट और मैंने आपको बताया ये आगे क्या प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज गेमीट मेल विल प्रोड्यूस मेल गेमीट फीमेल विल प्रोड्यूस फीमेल गेमीट Right, as we have seen that male gamete is sperm and female gamete is egg. Now, what happen after this? ये sperm और egg बनने के बाद होता क्या है ये sperm और egg आपस में meet करते हैं ये sperm and egg both meet. And this fusion, that fusion का मतलब इनका meeting. So this fusion of male and with female gamete It result means they both will mix with each other. इनके अंदर जो भी content है this will all mix up. As you can see in the figure, this is an egg and this is a sperm. And sperm is actually trying to fertilize the egg. दोनों enter हो रहे हैं ना एक दूसरे में sperm egg में enter हो रहा है तो enter होने पर क्या होगा इन दोनों का content आपस में mix हो जाएगा and they will form a one cell. And that one cell which is formed after their fusion is always called as zygote. You need to remember this very important कि आपसे पूछा जाता है कि पहला सेल कौन सा है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है तो पहला सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो बनता है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज जाइकॉट सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल विद फीमेल गेमीट और यू कैन से द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग टू फॉर्म फर्स्ट सेल दैट इज कॉल्ड एज जाइकॉट हमेशा पहला सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनेगा जाइकॉट नाउ द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन की भी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो दो तरह से फर्टिलाइजेशन होती है देखते हैं क्या फर्क है इनके अंदर फर्स्ट वील टॉक अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड तो इस फर्टिलाइजेशन का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही यही है कि इसमें जो फ्यूजन है दैट इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग यही होता है ना फर्टिलाइजेशन तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग इज गोइंग टू टेक प्लेस आउटसाइड मींस पेरेंट की बॉडी इन्वॉल्व नहीं होने वाली है इसके अंदर तो ये होता कैसे इट इज मोस्टली सीन इन एक्वेटिक एनिमल्स इट इज मोस्टली सीन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो क्या होता है इसके अंदर दे ऑल गैदर इन ग्रुप्स
they all gather in groups. Let's say male and female, they all gather in groups in water. So inme se jo male hote hain, they release the sperms. They release the sperm in water, right? At the same time, female also release their eggs. Female also release their eggs in water. तो ये जो fusion है इनकी, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि ये एक cell है और इस egg आप कह सकते हो, ये egg के साथ sperm ने fuse करना है. जैसे ये egg है, egg के साथ sperm ने fuse करना है. तो ये fusion पानी के अंदर ही हो रही है ना, तो ये zygote भी पानी के अंदर ही बनेगा. जो भी developmental stages हैं वो पानी के अंदर ही बनेंगी, है ना. और जो organism है, जो नया ऑर्गेनिज्म है, वो भी पानी के अंदर ही बनेगा. तो इसमें कोई पेरेंट की बॉडी तो नहीं इन्वॉल्व हुई ना. सो दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल. चलो टेक्निकली बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन के साथ. इन दिस मेल रिलीज स्पर्म्स एंड फीमेल ले एग्स. पानी के अंदर ये दोनों रिलीज करते हैं. द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक प्लेस आउटसाइड द पेरेंट बॉडी. That means fertilization किसी भी parent की body के अंदर नहीं हो रही है. It is taking place like as I told you, the aquatic organisms are the example of external fertilization. So this is happening in water only. पानी के अंदर ही हो रही है. तो पानी के अंदर होने से क्या हो रहा है कि उसी के अंदर development हो रही है पानी के अंदर, और कोई भी parent की body involve नहीं हो रही है. So this kind of fertilization is called as external fertilization. As you can see in the figure, frog. आप जानते हो कि frog जो होता है, frog की एक larva stages होती है. Frog की क्या होती है? Larva stages. Larva मतलब developmental stages. देखिए humans के अंदर तो क्या है कि बच्चा जो बनेगा वो body के अंदर बनेगा, और जब वो पूरा बन जाएगा तो वो deliver हो जाएगा बाहर. ठीक है, तो आपको उसकी developmental stages तो दिखती नहीं है humans पे. लेकिन ये जो organism, जैसे कि frog की बात कर रहे हैं, frog के जो बहुत छोटा फ्रॉग, उससे थोड़ा बड़ा फ्रॉग, उससे थोड़ा बड़ा फ्रॉग, और मैच्योर फ्रॉग, तो ये जो स्टेजेस हैं, दीज आर कॉल्ड एज लार्वा. ये जो लार्वल स्टेजेस हैं, इट इज सीन ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि डेवलपमेंट बाहर हो रही है पेरेंट बॉडी से. अगर पेरेंट बॉडी के अंदर होती देन यू वोंट हैव, इट वुड हैव बीन नॉट पॉसिबल टू सी दोज डेवलपमेंटल स्टेजेस, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. Now we have internal fertilization, the another category. Internal fertilization is seen in us like humans. तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो ये fusion है with sperm with egg, sperm और egg की जो fusion है, this occur in internally. Internally मतलब किसी भी एक parent की body, और वो parent कौन सा होता है जिसकी body में होती है? Obviously it is female. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? मेल रिलीज स्पर्म्स इन द फीमेल बॉडी. फीमेल की बॉडी के अंदर मेल अपने स्पर्म्स रिलीज करता है. ठीक है, देन जो ये फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, कि स्पर्म का एग के साथ मीट होना, वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है. और डिवेलपमेंट, जायगॉट बनना या जो भी डिवेलपमेंट है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो रही है. और जब बेबी फुली फॉर्म्ड हो जाता है, देन इट इज डिलीवर्ड आउट, राइट. So this kind of fertilization process, which you can see in the figure, is happening in a female's body. And when the organism is fully formed, pura uske andar ek insaan ki characteristics aa chuki hai, then it is delivered out. So this is all about the external and the internal fertilization. So developmental stages ki baat kare, ki fusion ke baad kya kya stages hai main, jiske andar pass hota hai bachcha banne se pehle. तो पहला सेल जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, दैट इज कॉल्ड एज जायगॉट. जायगॉट एक सेल है. ठीक है, जब जायगॉट में रिपीटेडली डिविजन्स होती रहेंगी और पूरा ऐसे बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा, बहुत बड़ा आप कह सकते हो सेल, सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे सेल्स हो, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से ये जो बॉल ऑफ सेल्स अराइज हुई है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. देन फीटस. फीटस इज अ डिवेलपिंग बेबी आफ्टर 8 weeks ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये जो सेल्स हैं, ये डिफरेंशिएट होने लगेंगे. डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि जिसने जो जो बॉडी पार्ट बनाना है, उसमें उस तरीके के सेल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगे और बॉडी पार्ट्स बनने लगेंगे. एंड व्हेन द बॉडी पार्ट्स इज फुली फॉर्म्ड, तो उसको आप क्या बोलोगे? इनफैक्ट. तो इनफैक्ट इज एक्चुअली अ बेबी जिसके अंदर सारे डिवेल्प्ड ऑर्गन्स है, कुछ डिवेलपिंग नहीं है. ऑल द ऑर्गन्स, ऑल द सिस्टम्स आर फुली डिवेल्प्ड. लेट मी शो यू इन फिगर. सी, दिस इज द जायगॉट, फर्स्ट सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन.
जब ये सेल्स बनने लगे, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स, देन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. फीटस आप देख पा रहे हो अभी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंटल स्टेज पे है, इसमें ऑर्गन्स बन रहे हैं, ठीक है. एंड व्हेन इट इज फुली फॉर्म्ड यू कैन सी हाउ स्वीट इज दिस इनफैक्ट विद ऑल द सिस्टम्स डेवलप्ड इट, राइट. तो ये स्टेजेस होती हैं जिससे फ्यूजन के बाद अलग अलग स्टेजेस जो हमें देखने को मिलती हैं बिफोर वी गेट एन इनफैक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. क्योंकि अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसमें हमें उससे पहले मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूरा फैमिलियर होना है और फीमेल के भी, फिर हम करेंगे इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस. सो लेट अस स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो मेल्स के अंदर मेल गोनाड होते हैं. गोनाड मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो ये मेल गोनाड क्या है? टेस्टिस. एज यू कैन सी इन द फिगर, दीज पिंक स्ट्रक्चर्स, दीज राइट, दीज आर मेल गोनाड, दैट इज द टेस्टिस. अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट. तो कितनी टेस्टिस होती है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट, ठीक है. अब टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना. टेस्टिस का काम क्या है? टू प्रोड्यूस स्पर्म. अब स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें कौन हेल्प करता है? दैट इज फैसिलिटेड बाय मेल सेक्स हॉर्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. ये हॉर्मोन टेस्टिस के अंदर ही सिक्रीट होता है और इस हॉर्मोन की सिक्रीशन की वजह से, आप कह सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये हॉर्मोन इन्वॉल्व है स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस में. और टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन. नेक्स्ट वी हैव इज अ स्क्रॉटम. जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज दिस पिंक वन आर टेस्टिस, बट दे आर इनक्लोज्ड इन दिस स्किन काइंड ऑफ पाउच लाइक स्ट्रक्चर. दिस स्किन काइंड ऑफ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम. ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो स्किन का बना हुआ जो टेस्टिस के आसपास है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम. दिस स्क्रॉटम एक्चुअली सर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. क्या फंक्शन है ये? फंक्शन ये है कि टेस्टिस, जैसे कि अभी हमने बात करी, टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना. टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना, लेकिन जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उस पे ये टेस्टिस स्पर्म नहीं बना पाती प्रॉपरली. तो ये जो टेस्टिस है दे डिसेंड इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्किन से बना हुआ है. एक स्किन वाले स्ट्रक्चर में, पाउच जैसे स्ट्रक्चर में बॉडी से बाहर डिसेंड हो जाती है एक स्किन के बने स्ट्रक्चर में, ठीक है. और इसी को आप स्क्रॉटम बोलते हो. और ये स्क्रॉटम करता क्या है, कि क्या कारण है कि इट डिसेंड्स इनटू स्क्रॉटम? सो द रीजन इज दैट दिस सैक मेड अप ऑफ स्किन प्रोवाइड एक्चुअली 2 to 3 degrees लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, जो कि बहुत जरूरी है स्पर्म बनाने के लिए. टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना, बॉडी टेम्परेचर में स्पर्म नहीं बन पाते हैं. बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 degrees Celsius टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्म बनाने के लिए. दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सैक लाइक स्ट्रक्चर, अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रॉटम. सो स्क्रॉटम इज अगेन यू कैन से परफॉर्मिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू गेट इन अ पेपर दैट व्हाई टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रॉटम, कि टेस्टिस स्क्रॉटम में डिसेंड क्यों होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डिसेंड क्यों होती है. तो आप बताओगे कि टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन, एंड फॉर दैट दे नीड 2 to 3 degrees Celsius लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर विच इज प्रोवाइडेड बाय द सैक दैट इज स्क्रॉटम. नेक्स्ट वी हैव इज एपिडाइडमस. तो अब आप ये समझ चुके हैं कि जो टेस्टिस है ये स्पर्म बनाती रहेंगी, हॉर्मोन हेल्प करता रहेगा, ठीक है, स्क्रॉटम प्रॉपर टेम्परेचर देता रहेगा. तो ये स्पर्म्स बन के जाते कहां हैं? दे गेट टेम्परली स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर. आप टेस्टिस के ऊपर ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज एपिडाइडमस. दिस इज कॉल्ड एज एपिडाइडमस, राइट. तो ये एपिडाइडमस में ये स्पर्म्स टेम्परली स्टोर्ड होते रहते हैं. सो एपिडाइडमस इज टू स्टोर स्पर्म्स टेम्परली. फिर उसके बाद ये स्पर्म्स, ये आप डक्ट देख रहे हो जो जा रही है यहां से, दिस पाइप विच इज गोइंग, राइट, दिस पाइप इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस. इसका काम है एपिडाइडमस से स्पर्म्स को लेकर जाना. तो एपिडाइडमस में स्पर्म स्टोर है और ये डक्ट स्पर्म को लेकर जा रही है अपने साथ. दिस इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस. अब ये जो डक्ट मूव कर रही है
इसके रास्ते में बहुत सारे ग्लैंड्स आ रहे हैं, आउट ऑफ विच सेमिनल वेसिकल, दिस यू कैन सी द ग्लैंड, दिस वन राइट. सो दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट और ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है. तो आप ये देख पा रहे हो ना कि जैसे ये आपके पास वास डिफरेंस आ रही है और ये सेमिनल वेसिकल आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, है ना. तो सेमिनल वेसिकल इज सिक्रीटिंग अ फ्लूइड कॉल्ड एज सेमिनल फ्लूइड. ये जो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, इट इज सिक्रीटिंग अ फ्लूइड दैट इज सेमिनल फ्लूइड. तो ये वास डिफरेंस के अंदर अभी तक क्या आ रहे थे, स्पर्म आ रहे थे, और यहां से क्या मिक्स हो गया, सेमिनल फ्लूइड. ठीक है, तो अब डक्ट के अंदर दो चीजें आ गई, स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड. अब देखते हैं सेमिनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है. सेमिनल फ्लूइड का फंक्शन है टू प्रोवाइड, एज यू कैन सी दैट सेमिनल वेसिकल सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड राइट, एंड सेमिनल फ्लूइड इज गोइंग टू प्रोवाइड मोटिलिटी मीडियम टू स्पर्म्स. मोटिलिटी मतलब मूव करने का मीडियम, इनेबल देम टू मूव यू कैन से. तो इसी करके ये मूव कर पाते हैं स्पर्म्स. सो इट प्रोवाइड मोटिलिटी मीडियम टू स्पर्म्स सो दैट दे कैन मूव. और दूसरा, ये स्पर्म्स को क्या देता है, ये फ्लूइड न्यूट्रिशन, जिसके कारण स्पर्म्स जिंदा रह पाते हैं. ठीक है, तो अभी आपने देखा, अभी वास डिफरेंट में स्पर्म्स आ रहे थे और यहाँ पे फ्लूइड मिक्स हो गया सेमिनल फ्लूइड. तो अब इसको हम स्पर्म नहीं कहेंगे, एपिडाइडमस से जब, जैसे ये आपके पास थी टेस्टीज राइट, तो ये आपके पास एपिडाइडमस, यहां से जब डक्ट निकली तो इस डक्ट के अंदर जो था वो स्पर्म थे. लेकिन जब यहां से सेमिनल वेसिकल ने अपना सिक्रीशन डाल दिया इसके अंदर इस तरीके से, तो अब ये क्या बन गया, इट इज कॉल्ड एज सीमन. नाउ इट इज कॉल्ड एज सीमन राइट. तो स्पर्म और फ्लूइड को जब मिल जाते हैं, देन द टर्म व्हाट वी यूज इज द सीमन. नाउ वी हैव द कॉमन डक्ट. तो अब आप देख रहे हो यहां पे, अभी हम कर चुके हैं इस सिस्टम के अंदर, जैसे ये आपके पास टेस्टीज हैं, ये एपिडाइडमस, वास डिफरेंस स्पर्म को लेकर जा रहा है, सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन डाल रहा है ना. और यहां पे आप ये देख पा रहे हो ना, देखिए, तो ये जो डक्ट है इट मिक्सेस विद द यूरेथ्रा. ये कौन सी डक्ट के साथ, यूरिन वाली डक्ट के साथ मिक्स हो रही है. तो यूरिन वाली डक्ट और वास डिफरेंस जब मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं कॉमन डक्ट. सो इट इज फॉर्म्ड बाय यूरेथ्रा एंड वास डिफरेंस, दोनों के कनेक्शन से. और आप देख रहे हो ये जो कॉमन डक्ट है, ये येलो कलर की जो पास हो रही है, एक मस्कुलर ऑर्गन जिसको आप पेनिस कहते हो वहां से. सो इट इज अ कॉमन आउटलेट फॉर यूरिन एज वेल एज सीमन. बट जो सेमन की सिक्रीशन है और जो यूरिन की एक्सक्रीशन है, ठीक है, एट अ टाइम दोनों चीज नहीं होती है, वन एट अ टाइम टेक प्लेस. सो आई थिंक यू गॉट इट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर अगेन. देखिए, टेस्टीज स्पर्म बनाएंगे, एपिडाइडमस स्टोर करेगा, वास डिफरेंस स्पर्म को लेकर जाएगा, सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन डालेंगे. तो अब यहां से सीमन बन गया. और भी ग्लैंड्स है, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिया हुआ है, दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन दी हाई क्लास. ठीक है, तो अब ये जो डक्ट आ रही थी, ये डक्ट यूरेथ्रा के साथ मिलकर क्या बन गई, कॉमन डक्ट. ठीक है, विच रन्स थ्रू पेनिस एंड कॉमन आउटलेट फॉर द सिक्रीशन ऑफ सेमन एंड द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, बट वन एट अ टाइम. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ बिफोर वी स्टडी विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेट अस स्टडी अबाउट द मेल गेमीट. ये तो आपको पता है ना, मेल गेमीट क्या होता है, याद है आपको, अभी हमने डिस्कस किया. मेल गेमीट ये होता है, जैसे कि आप ये पढ़ चुके हो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता है, ये जो ऑर्गन्स है इसमें ये मेन चीज क्या बनाते हैं, ये मेल गेमीट ही बनाते हैं ना, जो एग के साथ आगे फ्यूज होता है. अभी हमने फर्टिलाइजेशन में भी पढ़ा है. तो मेल गेमीट कौन है, स्पर्म है. तो अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले, लेट अस स्टडी अबाउट द मेल गेमीट, दैट हाउ डज इट लुक. ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं जो उसके अंदर होती हैं, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट मेल गेमीट, दैट इज स्पर्म. सो लेट अस स्टडी अबाउट स्पर्म इन डिटेल. तो देखिए, स्पर्म ऐसा दिखता है, पहले तो आप फिगर को पहचानिए. ठीक है, स्पर्म लुक लाइक दिस. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट वन स्पर्म. ठीक है, और आपको पता है कि जो सिक्रीशन होती है, जो मेल, आप कह सकते हो कि भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सिक्रीशन होती है, जिसको हम व्हाइट सा लिक्विड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीमन, विच वील स्टडी नाउ इन डिटेल. तो ये जो सीमन है राइट,
जो ये सीमन है दिस कंसिस्ट ऑफ सो मेनी स्पर्म्स सो मेनी स्ट्रक्चर लाइक दिस एज इट इज गिवन इन द फिगर एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन स्पर्म सो लेट अस सी दैट व्हाट इट एक्चुअली हैज देखिए तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स स्पर्म के बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है वन इज हेड हेड इज दिस पार्ट राइट देन वी हैव मिडल पीस इज दिस पार्ट विच इंक्लूड्स द नेक neck here is referred as middle part and then we have a tail and you can see that it has a long tail right so sperm has like its body consists of three parts that is in head as it is mentioned in the figure then neck is a you can say that you can relate neck with a middle piece and then we have a tail and you can see that how long the tail it has and you know that tail actually plays an important role क्योंकि स्पर्म का काम क्या है फीमेल वेजाइनल ट्रैक में ऐसे मूव करते हुए जाना तो ये जो मूवमेंट होती है दैट अकर्स ड्यू टू टेल ओनली ठीक है सो लेट अस स्टडी दीज पार्ट्स नाउ इन डिटेल फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हेड सो दिस इज हेड दिस पोर्शन इज हेड अब हेड के अंदर क्या है दिस ब्लू पार्ट इज न्यूक्लियस This blue part is nucleus. Obviously, जो sperm है तो sperm का अंदर nucleus तो होगा ही ना So this the nucleus of the sperm lies in the head. This blue part. ठीक है और ये जो yellow yellow आपको दिख रहा है This portion is actually you can say this yellow thing is an hydrolyzing enzyme. This is an hydrolyzing enzyme. ठीक है और आपको पता है इसमें मेंशन नहीं किया गया लेकिन ये जो टिप वाला पोर्शन है इसको भी एक स्पेशल नाम देते हैं एज एक्रोसोम जैसे कि आपने ये स्पर्म बनाया ना इस तरीके से स्पर्म है तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोम बिकॉज एक्रोसोम के अंदर ही हाइड्रोलाइजिंग दिस येलो पार्ट दैट इज अ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम अब आपको पता है कि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैसे जैसे स्पर्म ऐसे मूव करता हुआ जाएगा तो उसको एग को फ्यूज करना है ना एग के साथ मीट करना है एग के अंदर अपना न्यूक्लियस है इसके अंदर अपना न्यूक्लियस है और हम चाहते हैं कि दोनों न्यूक्लियस आपस में मीट करें तो आपस में मीट तभी करेंगे ना जब ये जो एग की वॉल है ये तोड़ पाएगा स्पर्म है ना तो ये एग की वॉल कैसे तोड़ पाता है दिस हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम हेल्प्स एक्चुअली इन लाइजिंग द ओवम It actually helps in lysing the ovum. इस वॉल को तोड़ने में हेल्प ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम ही करता है क्योंकि वॉल टूट गई तभी तो ये दोनों न्यूक्लियस मीट कर पाएंगे आपस में और आपस में मीट कर पाएंगे तभी तो ये फ्यूजन होगी और तभी क्या बनेगा जायगॉट और फिर वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा सो दिस इज वॉट इज इन हेड सो हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक तो उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसी के अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम अगर नहीं होएगा तो आप खुद सोचो कि भी कैसे न्यूक्लियस फ्यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ना सो हेड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड दिस हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एक्चुअली कैपेबल ऑफ लाइजिंग द ओवम राइट सो इट इज दिस इज ऑल अबाउट द हेड एंड एक्रोसोम प्लीज आप नहीं भूलिएगा एक्रोसोम इज नॉट इन योर सिलेबस बिकॉज यू डोंट हैव अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म at your level but you'll be doing in a higher class but you should know that acrosome is this part right I think you got it this part is called as acrosome which has an hydrolyzing enzyme next we have is a middle piece I told you that you can relate actually middle piece with neck this neck portion can also be called as middle piece theek hai ab iske andar kya hai आप देख रहे हो ना ये स्पाइरल सा स्ट्रक्चर है व्हाट इज इट इट इज एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया सेल यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज पावर हाउस ऑफ सेल अब आप बताइए पावर हाउस का मतलब क्या होता है पावर हाउस का मतलब होता है जो हमें पावर देता है और सेल के अंदर पावर या हमारी बॉडी के अंदर पावर किससे रिलेट करते हैं अब Obviously एनर्जी से करते हैं है ना तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज एक्चुअली यू कैन से लिंक इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एनर्जी यहीं से निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है दैट इट प्रोड्यूसेस एनर्जी दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल तो ऑब्वियसली अगर इस मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ऑब्वियसली द फंक्शन इज गोइंग टू प्रोवाइड द एनर्जी ओनली बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज वी नो दैट इज अ पावर हाउस ऑफ
cell. So this is what is written here, that middle piece, that is I'm talking about neck, it has a mitochondria that provide energy to sperm, right? So now we have a tail, that is the last part, and as you can see that sperm actually has such long tail. और आपको जैसे कि मैंने बताया कि टेल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि स्पर्म्स जो है वो मोटाइल होते हैं. मोटाइल का मतलब क्या है कि वो मूव कर पाते हैं. तो मूव करने के लिए जैसे हम मूव कर पाते हैं अपने लेग्स के लेग से, स्पर्म्स की लेग क्या है, स्पर्म की लेग क्या है, उसकी टेल. टेल एक प्रॉपर लैशिंग मूवमेंट्स, मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे लैशिंग मूवमेंट्स शो करती है. ऐसी मूवमेंट्स को क्या बोलते हो आप, लैशिंग मूवमेंट्स. ऐसी लैशिंग मूवमेंट्स शो करती है और स्पर्म आगे मूव कर पाता है. और इसमें लिखा भी हुआ है फ्लैजिला, दिस इज अ फ्लैजिला. टेल के अंदर ये जो थिन सा आप फाइबर सा देख रहे हो, दिस इज अ फ्लैजिला. फ्लैजिला इज एक्चुअली कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ओनली, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि टेल इज वेरी लॉन्ग, इट हैज अ फ्लैजिला, एंड फ्लैजिला शो अ लैशिंग काइंड ऑफ मूवमेंट. एंड यू नो दैट व्हाट इज अ लैशिंग काइंड ऑफ मूवमेंट, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, राइट? सो लैशिंग काइंड ऑफ मूवमेंट, इट हेल्प्स इन लाइक इट हेल्प्स द स्पर्म टू मूव. तो इस तरीके की मूवमेंट होती है. और आपको पता है कि स्पर्म्स जो मोटाइल नहीं होते हैं उनका तो कोई यूज ही नहीं होता, बिकॉज स्पर्म हैज टू मूव इन टू अ फीमेल ट्रैक टू रीच द ओवम, और ओवम तक पहुंचेगा तभी तो इसका और इसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, उसके बाद जायगॉट बनेगा, है ना? फर्स्ट सेल जो बनता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, और तभी तो वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड स्टार्ट होगा. देन वील गेट द रिजल्ट दैट वील गेट अ न्यूली बॉर्न बेबी. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. मोर अबाउट कि भी ये कैसे मूव करके गया, कैसे फ्यूजन हुई, कैसे ये प्रेगनेंसी वाली इवेंट्स हुई, डोंट गेट पैनिक, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल आफ्टर स्टडिंग द डिटेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो ऑल यू हैव टू डू इज दैट पहले आप अच्छे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को अच्छे से पढ़िए विथ फंक्शंस, एंड ऑल्सो स्टडी अबाउट द स्पर्म, एंड देन मूव ऑन टू योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो वील स्टार्ट नाउ विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Now we have is the female reproductive system. तो female reproductive system में हमारे पास क्या क्या चीज होती है? We have ovaries, ये green वाली ovaries, then this a tube like structure called as fallopian tube, right? This sac like structure is uterus, this cap is cervix, and this portion which receives the sperm is the vagina. तो start करते हैं ovaries से. जैसे कि ये ग्रीन देख पा रहे हो, अ पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट, और इनका फंक्शन है एग फॉर्मेशन, एग बनाना. एग को आप ओवम भी बोल सकते हो. सो देयर फंक्शन इज एग फॉर्मेशन और ओवम फॉर्मेशन. और इसके अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन हेल्प करता है, दैट इज एस्ट्रोजन. इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एग इन द ओवरीज. नेक्स्ट वी हैव इज द फेलोपियन ट्यूब. ये ओवरी से जो ये ट्यूब है, दिस ट्यूब, this is called as fallopian tube. तो fallopian tube का काम क्या है? जब यहाँ पे egg mature हो जाता है, so it comes in the fallopian tube. And moreover, जो mating है sperm की egg के साथ, जैसे कि अभी हमने किया, that also take place in the fallopian tube. So fallopian tube is performing a very important function. And the other name for fallopian tube is oviduct. Right, so it is mentioned here also that fallopian tube is also called as oviduct. इसका काम क्या है? Egg को receive करना, और इसी के अंदर fertilization, fusion जो sperm की egg के साथ होती है, so it happens in the fallopian tube only. Next we have is the uterus. This is a uterus complete, a sac where the baby develops. ये जो uterus है, ये इसको आप mother's womb भी कहते हो. क्या बोलते हैं हम इसको? Mother's वॉम, क्योंकि यही पे 9 महीने तक बच्चा रहता है जब तक डिलीवर नहीं हो पाता. सो दिस सैक इज अ यूट्रस. नेक्स्ट वी हैव इज सर्विक्स. दिस इज एन यू कैन से अ कैप ऑफ विजाइना, राइट? और उसके बाद आपके पास है विजाइना. विजाइना इज दिस पार्ट विच रिसीव्स दी स्पर्म्स, राइट? जो कि स्पर्म्स कहां पे एंटर होते हैं? विजाइना में ही होते हैं. देन ड्यू टू सर्टन मूवमेंट्स it is able to move through this female reproductive part and reach the fallopian tube where the fusion occurs.
अब एग फॉर्मेशन होता कहाँ है? एग फॉर्मेशन दोनों ओवरीज में होता है, और कब से स्टार्ट हो जाता है? प्यूबर्टी से. कब से स्टार्ट हो जाता है? प्यूबर्टी से. तो प्यूबर्टी से फीमेल्स में एग प्रोडक्शन होने लगती है. ठीक है, तो दोनों ओवरीज में एग्स बन रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि अभी सारे एग्स मेच्योर है, एग सारे डिवेलपिंग प्रोसेस में है. ठीक है, तो एक ही ओवरी में अगर आप मेच्योर्ड एग की बात करेंगे तो एट अ टाइम एक ही ओवरी में एग मेच्योर होता है. ठीक है, सपोज मैंने आपसे बोला इस महीने इस ओवरी का एग मेच्योर हुआ, तो अगले महीने इस ओवरी का एग मेच्योर होगा. सो दैट मीन्स ओनली वन एग गेट मेच्योर ईच मंथ एंड दैट इज फ्रॉम द ऑल्टरनेट ओवरीज. एक बार इस महीने इस ओवरी से, तो अगले महीने इस ओवरी से. ये एग मैच्योरेशन का कुछ दिनों का प्रोसेस रहता है, इट टेक फ्यू डेज, पर एक बार जब एग बन जाता है, जैसे सपोज यहाँ पे एग बन गया, देन इट इज रिलीज्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब. इट इज रिलीज्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब एंड दिस रिलीज इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. सो व्हाट इज ओव्यूलेशन? इट इज रिलीज ऑफ मेच्योर्ड एग फ्रॉम ओवरी इनटू फेलोपियन ट्यूब. ये जो एग का यहां से ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में आ जाने को आप क्या बोलते हो? ओव्यूलेशन. अब एग तो बन चुका है, ओवम इज रेडी. आप देख पा रहे हो इस तरीके का ओवम रेडी है, बन चुका है, फेलोपियन ट्यूब में आ चुका है, मतलब ओव्यूलेशन हो चुकी है. ठीक है, अब एग का क्या होगा? तो इसके आगे दो फेट होते हैं. द फेट ऑफ ओवम इज ईदर टू गेट फर्टिलाइज, या तो फर्टिलाइज होकर बेबी बनाएगा, या फिर डीजेनरेट होकर ब्लीडिंग की फॉर्म में मेंस्ट्रुएशन मतलब होगा प्रोसेस. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट फेज, दैट इज टू गेट फर्टिलाइज्ड. सो द फेज ऑफ ओवम वी आर गोइंग टू स्टडी इज टू गेट फर्टिलाइज्ड फर्स्ट. तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस जबकि फर्टिलाइजेशन होती है, सबसे पहला गैमीट बनना, वो तो आप जानते ही हैं. एग की फॉर्मेशन फीमेल बॉडी में होगी, स्पर्म की फॉर्मेशन मेल की बॉडी में होगी. तो सबसे पहले तो हमारे पास गैमीट्स होने चाहिए. तो सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन मेल एंड फीमेल बॉडी. एज यू कैन सी इन द फिगर हियर द फीमेल गैमीट, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और इसमें जो गैमीट है दैट इज द एग इज फुली फॉर्म्ड एंड इट इज रिलीज्ड आल्सो. After that is the ovulation, जैसे कि मैंने आपको बताया बनने के बाद वो fallopian tube में आ जाएगा. तो जब egg ovary से fallopian tube में आता है then it is called as ovulation. Then copulation. तो अब आपके पास sperm भी हो चुके हैं, बन चुके हैं male body में, और egg बन चुके हैं female body में, right? तो अब this is an act that is copulation, which is the mating of male with female. एक ऐसा act जिसके अंदर मेल और फीमेल आपस में मेट करेंगे, और इस दौरान जो मेल है दैट इज गोइंग टू रिलीज स्पर्म इन फीमेल बॉडी. देन फर्टिलाइजेशन. स्पर्म जो फीमेल बॉडी के अंदर आ चुके हैं वो एक, जैसे कि फीमेल मेल की एक सिक्रीशन में बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, बहुत सारे हम ले लेते हैं सपोज बिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं. ठीक है, तो कुछ स्पर्म्स तो वैसे ही मर जाते हैं क्योंकि वो फीमेल का वेजाइनल ट्रैक का जो आप कह सकते हो मीडियम होता है उसको नहीं सह पाते. कुछ स्पर्म्स होते हैं जो चल ही नहीं पाते, वो तो मर जाते हैं. तो इतने सारी सिक्रीशन में, एक सिक्रीशन में बहुत सारी स्पर्म्स होते हैं, तो उसमें से एक ही स्पर्म जिसको आप लकी वन कहते हो दैट इज एबल टू मूव थ्रू फीमेल दिस ट्रैक एंड रीच द एग एंड इज कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग ऑल्सो, और उससे क्या बन जाता है? जाइगोट. समझ गए आप? जब मेल ने फीमेल की बॉडी में बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज किए तो उसमें से कुछ काफी सारे स्पर्म्स तो वैसे ही उनको न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से वो मर गए, या फिर आप कह सकते हो वो वीक थे या वो चल नहीं पाए. तो इतने सारे स्पर्म्स में से देयर इज ओनली वन लकी स्पर्म विच इज एबल टू मूव थ्रू दिस ट्रैक एंड फर्टिलाइज द एग टू फॉर्म जाइगोट. ठीक है, सो दिस आफ्टर पॉपुलेशन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. एंड वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इन फेलोपियन ट्यूब. इट टेक प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब. आफ्टर दैट जबकि जाइगोट बन चुका है, फ्यूजन हो चुकी है, देन इम्प्लांटेशन टेक प्लेस.
जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये आपके पास सपोज ओवरीज हो गई, ठीक है, ये आपके पास फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये यूट्रस हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर सपोज मैंने आपसे बोला कि यहां पे फ्यूजन हो गई, ठीक है, दिस गेव राइज टू जाइगोट, ये जाइगोट मूव होता जाएगा, साइज में बढ़ता जाएगा, एंड फाइनली इट गेट दिस थिंग फिक्स इन द यूट्रस। सो दिस फिक्सिंग ऑफ जाइगोट इन टू यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि यहाँ पे बेबी काफी बड़ा हो चुका है, मतलब वो एक बॉल ऑफ सेल नहीं रहा, उसे कुछ ऑर्गन्स भी डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, फीटस बन चुका है पूरा, पर है कहाँ पे, इट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। देन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, उसके बाद आप ये फिगर में देख पा रहे हो ये कॉर्ड जो रन हो रही है यहाँ पे बेबी के नेवल से एंटर हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। वॉट इज प्लेसेंटा? टेम्पररी फॉर्म टिश्यू दैट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब मदर की बॉडी से बेबी तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का जो रास्ता है दैट इज प्लेसेंटा। ये जो आप देख रहे हो अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह जो प्रिजिस्ट करता है, जो आप जानते हैं ना जो बेबी पैदा होता है ये कॉर्ड काट देते हैं, विच प्रिजिस्ट एज नेवल इन अस, आपकी बॉडी पे, जिसको धुंधी बोलते हैं आप, दैट प्रिजिस्ट इन योर बॉडी। तो दैट एक्चुअली वो जब बेबी डेवलप हो रहा होता है उसी के थ्रू न्यूट्रिशन जा रहा होता है। सो दिस इज द प्लेसेंटा, टेम्पररी फॉर्म टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। आफ्टर दैट वी हैव इज द जेस्टेशन पीरियड। अब वहीं पे इम्प्लांट होकर आप देखिए कि ये जो जाइगोट था जो कि एम्ब्रियो बनके इम्प्लांट हो चुका था, अब उसमें ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हुई। ये देखिए ये फर्स्ट मंथ की पिक्चर है, सेकेंड मंथ में थोड़ा बड़ा बेबी दिख रहा है, कुछ हेड वेड भी दिख रहा है आपको, थर्ड मंथ में एक और थोड़ा डेवलप हो चुका है, फोर्थ में और, फिफ्थ में बेबी के अंदर और डेवलपमेंट हो चुकी है, सिक्स सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ, और नाइन्थ मंथ में फुली डेवलप्ड हो चुका है एंड इट इज रेडी फॉर द डिलीवरी, ठीक है। तो जेस्टेशन पीरियड इज एक्चुअली अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू अ फुली ग्रोन ऑफस्प्रिंग विच इज रेडी फॉर द डिलीवरी। ये जो जेस्टेशन पीरियड है इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, लाइक इन अस इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस इट इज 9 months 9 days, जिसके अंदर पूरा बेबी डिवेल्प हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज द इवेंट दैट इज द पार्चुरेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हो फिगर के अंदर, डॉक्टर इज जस्ट ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट बेबी फ्रॉम मदर्स वॉम, ठीक है, जो डिलीवरी हो रही है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइना के थ्रू बेबी डिलीवर हो रहा है। सो दिस एक्सपेलिंग ऑफ फुली ग्रोन बेबी फ्रॉम मदर्स वॉम इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, is called as parturation. So these are the events actually which that take place during sexual reproduction. तो आपने देखा कि गैमीट कैसे बेबी के फॉर्म में बना और बेबी किस तरीके से बॉडी से बाहर आया। Now we have a process that is the sex determination. This is again a very important part. आप जानते हैं कि इतने babies होते हैं daily, but there are a few parents which do not want girl, they want a boy. राइट और आप जानते हो इसी चीज के पीछे आप हमने कई बार कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसके अंदर बच्चे को मार दिया जाता है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से टास्क। सो दिस इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड, कि जो बच्चा होने वाला है वो बॉय होने वाला है या वो गर्ल होने वाली है। So this process is called as sex determination. Okay. Though it is bad, we cannot check the sex of the child, है ना, but still this process is sex determination. Now we are going to study कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको sex determination, मतलब ऐसा क्या होता है कि boy और girl different chances होते हैं होने के। देखिए ये हमारे पास parental generation है, right? तो male and female. आपको पता है कि मेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स है, फीमेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स है, तो मेल और फीमेल में दोनों में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स में से 22 तो सेम होते हैं, लेकिन जो वन पेयर क्रोमोसोम का है दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, विच डिपेंड अपॉन द सेक्स। अब नाउ इन मेल द सेक्स क्रोमोसोम इज XY एंड इन फीमेल इट इज XX, ठीक है। तो ये आगे गैमीट्स बनाएंगे,
गेमीट फॉर्म बाय मेल दिस थिंग क्रोमोसोम इज एक्स और वाई, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स या वाई, और फीमेल में क्या है, एक्स कॉमा एक्स. नाउ अगर अब एक क्रोमोसोम मेल का आना है और एक क्रोमोसोम फीमेल का आना है तभी बेबी बनना है ना. सो देयर इज अ चांस दैट एक्स ऑफ मेल फ्यूजेस विद एक्स ऑफ फीमेल. तो अगर इस तरह की फ्यूजन होगी इट विल गिव राइज टू अ गर्ल. एंड देयर मे बी अ चांस कि फीमेल का एक्स मेल के वाई के साथ फ्यूज करे और क्या बने, बॉय विच इज एक्स वाई. सो देयर इज अ 50-50% चांस ऑफ बॉय और गर्ल, बॉय होगा या गर्ल होगी. सो देयर इज अ इक्वल 50-50% चांस. एंड मोर ओवर सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर नॉट बाय मदर. जैसे कि आपने देखा फादर के जो गैमीट्स हैं दैट वाज एक्स एंड वाई, एंड मदर के जो गैमीट्स थे दैट वाज एक्स एंड एक्स. तो मदर तो दोनों को ही एक्स क्रोमोसोम दे रही है, लेकिन फादर जिसको वाई देगा वही बॉय बनेगा. सो द वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग फीमेल्स फॉर दिस बिकॉज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज टोटली डिटरमाइंड बाय फादर एज फादर प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन हाउ दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. तो हमने देखा कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं कि वो किस तरीके से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. दे कैन बी विवीपैरस, दे कैन बी ओवीपैरस. विवीपैरस ऑर्गेनिजम्स वो हैं विच गिव बर्थ टू द यंग वन, जो कि पूरा आप कह सकते हो कि बेबी की डेवलपमेंट विद इन बॉडी होती है, और जब पूरा बेबी बन जाता है देन इट इज डिलीवर्ड. सो दे गिव राइज टू इन यंग वन डायरेक्टली, राइट. एग्जाम्पल इन मैमल्स लाइक काओ, हॉर्स, डॉग, इनके पूरा बेबी बॉडी के अंदर बनता है. व्हेन इट इज फुली फॉर्म्ड देन इट इज डिलीवर्ड आउट. एज यू कैन सी इन द फिगर द देयर इज अ मदर हु इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. सो हियर ऑल्सो दिस मदर हैज गिवन बर्थ डायरेक्टली टू द यंग वन. सो द मदर्स यू कैन से द ह्यूमंस आर विवीपैरस. ओवीपैरस आर दोज विच ले एग्स एंड एग्स हैच इनटू ऑफस्प्रिंग. Like we have birds, snakes, frogs, ये क्या करते हैं, they produce eggs, they lay eggs actually. फिर उसके बाद eggs को जब suitable temperature मिलता है then they hatch होकर फिर उसमें से offspring, आप या कह सकते हो young one निकलता है. So they don't give birth directly to young one. इन्होंने eggs ले किए, egg में से hatching होने के बाद offspring निकला. So that is oviparous. Now we have topic metamorphosis. Metamorphosis. Metamorphosis is a series of changes जो कि होती रहती हैं कि लार्वा उसमें ताकि वो अडल्ट बना सके. जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपको एक कॉकरोच दिखा रखा है, छोटा कॉकरोच है, थोड़ा बड़ा हो गया एंड फाइनली आपने देखा कि वो मेच्योर कॉकरोच बन गया. सो इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस जो कि लार्वा के अंदर होती रहती है एंड देन ये चेंजेस होने करके इट फॉर्म्स एन अडल्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट मेटामॉर्फोसिस. दैट मींस द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक्स टाइम बट डेफिनेटली अकर इन लार्वा एंड सो दैट इट कैन फॉर्म अ मेच्योर अडल्ट, दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म. सो हियर व्हाट हैपन्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी ऑब्जर्व, दैट न्यूली हैच्ड बर्ड्स एंड यंग वंस जो कि दे लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, दे अंडरगो अ सीरीज ऑफ चेंजेस एंड देन यू कैन से दैट दे अगेन रिजेंबल टू देयर द मेन पेरेंट्स, राइट. सो दिस इज द यू कैन से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म. लाइकवाइज वी हैव द लाइफ साइकिल फॉर द फ्रॉग. सो हियर ऑल्सो यू कैन से दैट दे ले एग्स, एग्स फॉर्म अ टेडपोल, tadpole forms a, you can say again a developing stage, that is a frog, and then it forms an adult frog. So again it undergoes, you can say many stages before forming an adult. So this is the life cycle of the frog. Now I'm going to discuss with you about the test tube babies. आपने ये वर्ड तो सुना होगा ना, टेस्ट ट्यूब बेबीज, एंड यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो दैट व्हाट आर एक्चुअली दी टेस्ट ट्यूब बेबीज. तो क्या टेस्ट ट्यूब में, छोटी सी ग्लास की ट्यूब में बेबीज हो सकते हैं?
कि नहीं हो सकते. यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो. सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, दैट वॉट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड. देखिए क्या होता है कि आपने अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ा है कि हमारे फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, है ना, और इस तरीके से फेलोपियन ट्यूब होती है, राइट? यही था ना स्ट्रक्चर कुछ कुछ. तो ये फेलोपियन ट्यूब कई बार फीमेल्स में किसी कारण ब्लॉक्ड हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं? किसी कारण ब्लॉक्ड हो जाती हैं. इससे क्या होता है ब्लॉक्ड होने से, और आपको पता है ओवम तो यहीं पे होता है, चाहे इस ओवरी से हो चाहे इस ओवरी से रिलीज हो, क्योंकि ऑल्टरनेट ओवरी से रिलीज होता है ना. सो ओवम इज हियर इन द ओविडक्ट एंड स्पर्म ऑब्वियसली हैज टू रीच द फेलोपियन ट्यूब. अब अगर ओविडक्ट किसी कारण ऐसे ब्लॉक हो गई, इनको ब्लॉक कर देते हैं, किसी कारण ब्लॉक हो गई, तो ये स्पर्म कैसे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना. और अगर स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा सो हाउ इट इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग? फ्यूजन भी नहीं हो पाएगी, और अगर फ्यूजन नहीं हो पाएगी सो ऑब्वियसली बेबी भी नहीं हो पाएगा. सो एट दैट टाइम द टेस्ट ट्यूब बेबीज यू कैन से आर प्रोड्यूस्ड, और दिस टेस्ट ट्यूब प्रोसेस इज कंडक्टेड. समझ गए ना आप? सो लेट अस डिस्कस अगेन. कई वुमेन्स में ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, दे मे बी मेनी रीजंस बिहाइंड, राइट? तो इस करके जो स्पर्म्स है दे आर अनेबल टू रीच एग. तो फर्टिलाइजेशन तो मतलब ही नहीं उठता, कैसे होगी फर्टिलाइजेशन? तो उस केस में हम टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोसेस कर सकते हैं. एंड वॉट इज दैट एक्चुअली? इन सच केसेस वी कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग, फीमेल्स में से फ्रेशली रिलीज एग निकाल लेते हैं एंड स्पर्म्स आर कलेक्टेड, फ्रेश स्पर्म्स आर कलेक्टेड. जैसे कि हम यहां बनाते हैं, तो फीमेल्स में से हमने एग निकाल लिया और मेल का सीमेन ले लिया. सीमेन में आप जानते हो कि बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, सो लेट अस कंसिडर अबाउट वन स्पर्म, क्योंकि एक ही तो स्पर्म होता है, द लक्की वन, विच इज एक्चुअली यू कैन से कैपेबल ऑफ लाइजिंग दिस ओवम और मेकिंग अ जायगोट. तो अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमने आर्टिफिशियल कंडीशन में एग निकाल लिया है, फीमेल बॉडी से फ्रेशली प्रिपेयर्ड एग निकालकर एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया है, और मेल के भी सीमन को हमने कलेक्ट कर लिया है, उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं द वन स्पर्म, ठीक है? तो अब क्या करते हैं इनको, जब हमने अब ये कलेक्ट कर लिया, सो दे आर केप्ट इन विट्रो कंडीशंस. इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंडीशन, इट इज केप्ट इन आर्टिफिशियल कंडीशन फॉर फ्यू आवर्स. इनको हम इकट्ठे, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, तो समझ लो आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे मैं आपको एक टेस्ट ट्यूब बना के दिखाती हूँ, ये टेस्ट ट्यूब हमने ली, इसके अंदर हमने एग और स्पर्म वाला स्पर्म को इकट्ठे काफी आवर्स के लिए आर्टिफिशियल कंडीशन में रख दिया, ठीक है? अब क्या होगा, अब चांस है के भी उसके जो सीमेन है उसके अंदर तो बहुत सारे स्पर्म्स हैं, सो लेट अस कंसिडर कि उसके अंदर एक ऐसा वो लक्की वन स्पर्म है जो कि ये एग को हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम से लाइज कर सकता है, ठीक है? तो अगर फ्यूजन हो गई, मतलब इनके न्यूक्लियस, इसने लाइज कर दिया और इनके न्यूक्लियस मीट कर गए, तो ऑब्वियसली इससे क्या बनेगा, जायगॉट बनेगा, ठीक है? तो अगर हम मानते हैं सपोज द फर्टिलाइजेशन अकर्स, सपोज इनके न्यूक्लियस मीट कर जाते हैं, तो हमारे पास जायगॉट बन जाता है, ठीक है? तो ये जायगॉट उसी ट्यूब के अंदर, क्योंकि उसी के अंदर तो हुआ है ना, तो जायगॉट भी उधर ही बन रहा है, तो ये जायगॉट सिमिलर कंडीशंस के अंदर हम डिवेलप होने देते हैं. कब तक? फॉर अबाउट 8 वीक्स. 8 वीक के टाइम तक, ठीक है, हम इसको यहीं पे डेवलप होने देते हैं. और आफ्टर 8 वीक्स, जब ये 8 वीक का डेवलपमेंट इसमें हो चुका होता है, देन इट इज प्लेस्ड इन मदर्स यूट्रस, क्योंकि आपको पता है यूट्रस ही तो ऐसा पार्ट है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि यूट्रस किस तरीके से होता है. ये आपके पास फेलोपियन ट्यूब थी, है ना? सो इसी तरीके से था ना स्ट्रक्चर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव. तो दिस इज द यूट्रस. तो उसके बाद जब ये 8 वीक्स का हो जाता है, तो यूट्रस के अंदर हम इसको इम्प्लांट कर देते हैं. फिर वैसे ही नॉर्मल जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड, जिसके अंदर ये जो जायगॉट है, 8 वीक्स का डिवेलपिंग सेल है, ये पूरा डिवेल्प होकर एक फुली ग्रोन फीटस बना देता है. फीटस आप समझते हो ना, जैसे कि ये दिख रहा है, जिसके अंदर हेड, सारे ऑर्गन्स डिवेलप हो जाते हैं, और फिर उसी नॉर्मल प्रोसेस से ये डिलीवर हो जाता है, जैसे कि अभी हमने फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस में करा था.
सो दिस इज द टेस्ट ट्यूब बेबी, आई थिंक यू गॉट इट. तो क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्पर्म्स फ्रॉम फीमेल बॉडी, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्पर्म्स फ्रॉम मदर्स सॉरी फादर्स बॉडी, केप्ट इन एन आर्टिफिशियल कंडीशन, दैट इज अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, अगर जायगॉट बन गया, तो सिमिलर कंडीशंस में उसको 8 weeks तक रहने देते हैं. देन इट इज इम्प्लांटेड इन मदर्स यूट्रस और फिर नॉर्मल प्रोसेस की तरह वो पूरा बेबी बन जाता है. एंड व्हेन द फुली ग्रोन फीटस इज फॉर्म्ड, इट इज डिलीवर्ड एज अ नॉर्मल बेबी. राइट, सो दिस इज अ प्रोसेस एंड यू नो दैट इट इज एक्चुअली लाइक अ प्रोसेस, जबकि ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिन जो लोग आप कह सकते हो कि नॉर्मल जिनकी बॉडी पार्ट्स नहीं है, या जैसे कि फीमेल्स की ओविडक्ट है वो ब्लॉक हो चुकी है और किसी कारण वो बेबी नहीं बना पा रही है. ठीक है, सो इन दैट केस दिस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस इज वेरी बेनिफिशियल. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस एंड आई थिंक यू गॉट इट. सो दीज आर द टेस्ट ट्यूब बेबीज जो कि इन विट्रो कंडीशन के अंदर बनते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द प्रोसेस हाउ इट टेक प्लेस. Now let us start with some question and answers. Now the first question is, what is fertilization, and also give its two types. So fertilization is a fusion of male gamete with female gamete to form zygote, and its two types are external and internal fertilization. Second question is, write the full form of IVF. IVF is इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. एज यू ऑल नो, जब भी कोई आर्टिफिशियल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. थर्ड, वॉट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड नेम फ्यू. सो दे आर दोज डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एग्जाम्पल एड्स, सिफाइलिस, गोनोरिया एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव इज, explain the different stages of life cycle of silkworm. So the different stages are egg, which leads to larva, which transforms into pupa, and finally the adult is formed. Thank you.